वर्तमान में स्टार प्लस पर चल रहा शो ये जादू है जिन्न का लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, जिसके सभी कलाकार काफी अच्छे से अपने किरदारों को निभा रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन कलाकारों को तो अच्छे से जानते हैं, क्या इनके रियल लाइफ पार्टनर को जानते हो जिनसे बड़ा प्यार करते हैं और अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल भी हैं? तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार उनके लाइफ पार्टनर। नंबर 5, गरिमा विक्रांत सिंह। इस शो में सलमा अहमद का किरदार अभिनेत्री गरिमा विक्रांत सिंह निभा रही है, जो रोशनी की माँ का किरदार है। इस किरदार को बड़े खूबसूरती से निभा रही है, दर्शक बड़ा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने गुस्ताख दिल, इश्क का रंग सफेद और निमकी मुखिया जैसी शोज में काम किया। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनके पति का नाम योगेश विक्रांत सिंह है, जिनसे इन्होंने 2001 में शादी की। आज इनकी बेटी है जिसका नाम वेरा है। आपको बता दें, इनके पति पेशे से एक फिल्म राइटर है, जो अब तक कई फिल्मों की कहानियां लिख चुके हैं। साथ ही अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम जॉइन फिल्म्स है, जिस पर ये फिल्म राइटर बनने की क्लासेस देते हैं। नंबर 4, सुशांत सिंह। अमन के पापा जुनैद खान का किरदार अभिनेता सुशांत सिंह निभा रहे हैं, जिसे ये काफी अच्छे से निभा रहे हैं। हालांकि शो में इनका किरदार काफी कम ही दिखाया जाता है, पर उस कम समय में ये सभी का दिल जीत लेते हैं। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम मोलिना सिंह है, जिनसे इन्होंने अरेंज मैरिज की। आज ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आपको बता दें, इनकी पत्नी हाउसवाइफ है, जो घर में रहकर अपने परिवार का ख्याल रखती है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, दिखने में बड़े खूबसूरत है। नंबर 3, स्मिता बंसल। इस सीरियल में स्मिता बंसल परवीन खान का किरदार निभा रही है, जो अमन की मम्मी का किरदार है। इनका ये किरदार ऐसी मम्मी का है, जो अपने बच्चे के लिए हर वक्त परेशान रहती है, उसका ख्याल रखती है। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति, तो इनके पति का नाम अंकुश मौला है, जिनसे इन्होंने 2000 में शादी की। आज इनकी दो बेटियां हैं, रताशा और अनागा। आपको बता दें, इनके पति पेशे से एक डायरेक्टर है, जिन्होंने इश्क कोई है परदेश में मिला कोई अपना, जो जीता वही सिकंदर जैसे शोज का निर्देशन किया है। नंबर 2, अदिति शर्मा। इस शो में मुख्य अभिनेत्री रोशनी का किरदार अभिनेत्री अदिति शर्मा निभा रही है, जिसके पास अच्छी शक्तियां होती है, जिसका यूज ये अमन को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए करती है। इस किरदार को काफी अच्छे से निभा रही है और दर्शक भी पसंद कर रहे हैं इन्हें। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपको बता दें, इन्होंने शादी नहीं की है, ये किसी के साथ रिलेशन में है, जिनका नाम जैनिमा है। ये दोनों पिछले कई महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर कुछ दिनों पहले इनका ब्रेकअप भी हो गया। नंबर 1, विक्रम सिंह चौहान। इस शो में अमन का किरदार अभिनेता विक्रम निभा रहे हैं, जो शो का मुख्य किरदार है। इस शो में अमन के पास जादुई शक्तियां होती है, जिसका यूज वो अच्छे कामों में करता है। क्योंकि इनके पास जादुई शक्तियां होती है, इसलिए इनके पीछे बुरी शक्तियां इन्हें खत्म करने के लिए लगी रहती हैं, जिनका सामना ये और रोशनी डटकर करते हैं। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो आपको बता दें, इन्होंने भी शादी नहीं की है। ये अभिनेत्री शिवानी सुर्वे के साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ इन्होंने जाना ना दिल से दूर सीरियल में एक साथ काम किया। इसी दौरान एक दूसरे को दिल दे बैठे, पर जब शो खत्म हुआ, तो शो के साथ दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया, दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद आज दोनों सिंगल है, अपने करियर में बिजी है। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार की उनके पार्टनर के साथ जोड़ी अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।